आराम कर रहा आदमखोर हरी घास पर चैन से लेटा है लंगड़ा। आपके टीवी स्क्रीन पर जो भेड़िया नजर आ रहा है ये वही है जिसने 50 दिनों से बहराइच की नींद गायब कर रखी है। इस वीडियो में आपको इस भेड़िये के चार पैर भले ही दिख रहे हैं लेकिन इसका एक पैर डैमेज है। इस लंगड़े भेड़िये ने ही बहराइच में खूनी कहर बरपा रखा है। वन विभाग की टीम का टारगेट यही भेड़िया है लेकिन इसके पकड़ में आने से पहले इसकी टीम का एक सदस्य आज हाथ लग गया। हरे रंग के लोहे से बना पिंजरा और उस पिंजरे में कैद एक पतला दुबला सा भेड़िया। वन विभाग ने बड़ी ही चालाकी से इसे पकड़ा है। भेड़िये को ट्रैकलाइज भी करना पड़ा था क्योंकि वो थोड़ा रेजिस्टेंस था, उसको घेरा गया था, उसके बाद फिर काफी रेजिस्टेंस था तो उसको ट्रैकलाइज भी करना पड़ा लेकिन जैसे ही वो केज में आया तुरंत वो रिवाइव भी हो गया, उसको रिवाइव भी कर दिया गया है। भेड़िये अभी तक चार भेड़िये पकड़े जा चुके हैं, दो भेड़िये हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। सुबह 5 बजे ही ये भेड़िया वन विभाग के रडार पर आ गया था और तभी से टीम इसके पीछे लगी थी। बताया जा रहा है कि तीन तरफ से जाल लगाकर इसे काबू किया गया और फिर हल्का बेहोश करके पिंजरे में कैद किया गया। जिस वक्त इस भेड़िये को वन विभाग ने पकड़ा उस वक्त एबीपी न्यूज के रिपोर्टर संजय त्रिपाठी वहीं मौजूद थे। वन विभाग की टीमों ने आदमखोर भेड़िये को पकड़ लिया है। भेड़िये की तस्वीरें हम दिखाते हैं यहाँ से। इस जाल के भीतर भेड़िये को कैद करके रखा है और यहाँ से लेकर के उसको सीधे लखनऊ जाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये काफ़ी सुरक्षा के साथ में, पूरी सिक्योरिटी के साथ में, पुलिस की गाड़ियों के साथ में ये पूरा काफिला जो है इस वक्त आगे जा रहा है और सुरक्षा के साथ में। इस चौथे भेड़िये को नदी किनारे गन्ने के खेत से पकड़ा गया है। पकड़े जाने के बाद पिंजरे को काले रंग की पन्नी से ढक दिया गया और सुरक्षा के बीच गोरखपुर के चिड़ियाघर ले जाया गया। वन विभाग की टीम की माने तो कुल 6 भेड़िये थे जिन्होंने इस पूरे इलाके में सनसनी मचा रखी थी। इनमें से 4 को अब तक पकड़ा जा चुका है, 3 पहले पकड़े गए थे, ये चौथा आज पकड़ा गया है। बाकी 2 बचे हैं जिनकी तलाश जारी है। अब आज के डेट में हमारे अनुसार 2 हैं, कम से कम 2 हैं वहाँ पे, जिसको हम लोग अभी भी टीम लगी हुई है, कोशिश में है कि उसको हम लोग पकड़ लें। कितनी टीमें काम कर रही हैं अभी वहाँ और इसके अलावा क्या क्या आप इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं? लगभग 10 टीमें हमारी काम कर रही है, रात दिन काम कर रही है। हमारी जो टीम थर्मल ड्रोन कैमरा पर लगी हुई है वो केवल उसकी बिहेवियर के अनुसार उसको लोकेट करने पर लगी हुई है, जिसके अनुसार हमारी बाकी जो टीम है रेस्क्यू करने वाली पहुँच रही है। ये जो 4 भेड़ियों का ड्रोन वीडियो कई दिनों से वायरल हो रहा है इसे देखकर कंफ्यूज मत होइए क्योंकि इनकी कुल संख्या 6 थी। ड्रोन कैमरे में कैद ये वीडियो कुछ दिन पहले का है इसलिए इसमें 4 दिख रहे हैं। इस वीडियो के 2 भेड़िये पकड़े जा चुके हैं और लंगड़ा सहित 2 अब भी पकड़ से दूर है। वन विभाग की मानी तो जो लंगड़ा भेड़िया है वही मेन है और वही बच्चों को मार रहा है। जुलाई और अगस्त की बात करें तो इसने 7 लोगों की जान ली जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए गांव वाले रात रात भर जाग रहे हैं, लाठी डंडा और लाइट लेकर भेड़ियों को तलाश रहे हैं। वन विभाग के साथ पुलिस की टीम भी बहराइच के इस इलाके में रत जगा कर रही है। भारत नेपाल की सीमा पर करीब 35 किलोमीटर का इलाका है जिसके 3 दर्जन गांव में इन आदमखोरों की दहशत कायम है। हाल ये हो गया है कि रात छोड़िए दिन में भी गांव वाले बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेज रहे। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर मिड डे मील बढ़ रहा है, सारे बच्चे बैठकर खाना खा रहे हैं लेकिन इनमें से बहुत सारे बच्चे अभी स्कूल नहीं आए हैं। आजकल पिछले 1.25 महीने से ये जो भेड़िये का आतंक है बहुत ज़्यादा है। जैसे भटौली जो गांव है तो भटौली गांव में एक छोटी सी बच्ची को जो मतलब स्कूल में पढ़ती थी उसको उठा के ले गया और मार डाला, उसका शव खेत में मिला। इस तरह से बहुत घटनाएं यहां पे आ रही हैं सर, तो उस वजह से यहां बहुत प्रॉब्लम हो रही है। छात्र संख्या गिर रही है आपके स्कूल से, ये बड़ी चौंकाने वाली जानकारी दे रहे हैं। 20-30% छात्र संख्या गिर गई है यहाँ पर। फिलहाल सबका टारगेट एक है और वो है लंगड़ा भेड़िया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।